आइल्स का एग्जाम देने से पहले आपने 2-3 मंथ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा के बहुत सारा प्रैक्टिस किया है। क्लास में आपका स्कोर 7, 6.5, 8 तक आ रहा है, लेकिन रियल एग्जाम में आपका स्कोर 5 बैंड आएगा, 6 बैंड आएगा या 7 बैंड आएगा, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एग्जाम देने से पहले जो एक हफ्ता होता है उसको आपने कैसे स्पेंड किया, कैसे अपनी प्रेपरेशन करी। एक्चुअल में वही एक टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं। उनको काफी कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि इंस्टीट्यूट में काफी अच्छा स्कोर उनका आ रहा होता है, लेकिन एग्जाम में स्कोर नहीं आता है। तो आइए जानते हैं उस वीक को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे वो वाला वीक अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको आपकी मंजिल तक लेके जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको चारों मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा एक एक करके कि कैसे चारों के चारों मॉड्यूल की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रीडिंग मॉड्यूल्स। स्टूडेंट्स देखिए, जो एग्जामिनर्स होते हैं रीडिंग के, वो आपको 2 प्रकार की रीडिंग के फॉर्मेट फॉलो करते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है और एक थोड़ा सा अनयूजुअल फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक नॉर्मल आपका फॉर्मेट होता है जिसमें फर्स्ट पैसेज ईजी होता है, 2 टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड पैसेज थोड़ा सा मॉडरेट होता है, थर्ड पैसेज थोड़ा सा मॉडरेट से डिफिकल्ट आता है। सेकेंड और थर्ड पैसेज दोनों में 3-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो वो मोस्टली कैम्ब्रिज बेस्ड फॉर्मेट होता है। कैम्ब्रिज की बुक नंबर 11 से लेकर 18 तक, जो कि सारे ही स्टूडेंट ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करते हैं, वही फॉर्मेट होता है। पर अगर हम अनयूजुअल फॉर्मेट की बात करें तो फर्स्ट पैसेज मॉडरेट से डिफिकल्ट होता है, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सेकेंड पैसेज मॉडरेट होता है, 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। थर्ड वाला ईजी होता है, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनर क्या करते हैं कि वो 1-2 एग्जाम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाल देते हैं, 1-2 एग्जाम अनयूजुअल फॉर्मेट में डाल देते हैं, और मोर देन 70% स्टूडेंट इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट की ही प्रैक्टिस करते हैं, और एग्जाम में जाकर जब उनको थोड़ा सा अनयूजुअल फॉर्मेट देखने को मिलता है तो उसको वो हैंडल नहीं कर पाते और वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा जो सबसे पहला टिप्स आप लोगों के लिए रहेगा रीडिंग का, वो यही रहेगा कि आपको दोनों फॉर्मेट को जानना है, दोनों फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की भी करनी है जो कि मोस्टली स्टूडेंट कर लेते हैं, और अनयूजुअल फॉर्मेट की भी प्रैक्टिस करनी है। दूसरे टिप की अगर बात करें स्टूडेंट, तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग रियल एग्जाम टेस्ट की प्रैक्टिस करें। रियल एग्जाम टेस्ट की प्रैक्टिस इसलिए मैं एडवाइस कर रहा हूं आप लोगों क्योंकि बहुत ज्यादा बार आइल्स में रीडिंग के पैसेजेस रिपीट होते हैं। अभी रिसेंटली जो 22 जून को एग्जाम हुआ था उसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये पहला ही पैसेज था, तो हमारी प्रेडिक्शन हम स्टूडेंट को जो देते हैं उसमें पड़ा हुआ। उसके साथ साथ ये दूसरा पैसेज फूड सप्लाई वाला, उससे पहले 27 को जो एग्जाम हुआ था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश वूल इंडस्ट्री वाला, ये वाला पैसेज पहले अभी 15 दिन पहले ही आया था और दोबारा से रिपीट हो गया। इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ, आप लोगों को ये वाले जो रियल एग्जाम पैसेजेस हैं ये प्रैक्टिस करने चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो रिपीट होने के चांस रहते हैं काफी ज्यादा हाई, अगर रिपीट नहीं भी होता है तो आपको क्वेश्चंस का अंदाजा लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में रियली आ रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको अनयूजुअल पैटर्न की प्रैक्टिस भी हो जाती है क्योंकि हम जो पीडीएफ देते हैं उसमें हमने दोनों प्रकार के पैटर्न को कवर किया होता है। अगर आपको चाहिए तो नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, 499 इसके चार्जेस हैं, सारे मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा स्टूडेंट कि आपको हर रोज दिन में 2 रीडिंग्स करनी है, एक आप मॉर्निंग में कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को पूरा स्टॉप वॉच लगाकर प्रॉपर, जैसे एग्जाम में टाइम चलता है रिवर्स वॉच चलती है आपको पता है, तो एंटी क्लॉक वॉच चलती है, उसको लेकर आपने प्रैक्टिस करनी है। आंसर भी बीच में ही ट्रांसफर करके अपना टाइम काउंट करना है और देखना है कि आपका कितने टाइम में रीडिंग कंप्लीट हो रहा है। आपके पास कोई चांस नहीं होता है क्योंकि आपको ना एग्जाम वाला माहौल चाहिए होता है, तो आप लोग अगर एग्जाम वाला माहौल जो है वो नहीं दे पाते अपने आप को 6-7 दिन, तो फिर एग्जाम में जाकर आपको नर्वसनेस होती है, टाइम आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। और जो मॉर्निंग वाली रीडिंग है उसको एनालाइज जरूर करें, उसका प्लस माइनस देखें कहाँ गलती करी है, और एक रीडिंग आप इवनिंग में कर सकते हैं, तो मतलब डेली की आप 2 रीडिंग्स जो हैं वो एडवाइजेबल हैं, आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो भी क्वेश्चन टाइप्स आपके गलत होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेनली आइल्स में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिस्ट ऑफ हेडिंग विच पैराग्राफ कंटेन्स राइटर ओपिनियन समरी विल फिलअप्स, ये चीज़ें आपको मेनली जो है क्वेश्चन में आती हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन टाइप में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सेपरेट निकालिए और उसके ऊपर इंडिविजुअली आपको प्रैक्टिस करना। और ये सारी चीजें हमने अपने क्रैश कोर्स में भी बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करी हैं, जिसके रीसेंट रिजल्ट आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, किसी के 7 बैंड है, किसी के 6.5 है, किसी के 7.5 बैंड है। ये क्रैश कोर्स के साथ हम प्रेडिक्शन आपको चारों मॉड्यूल की फ्री में दे देते हैं, अगर आपको ये लेना हो तो 1500 इसके चार्जेस रहेंगे, आपको कहीं और ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें हमने सारे मॉड्यूल्स को कवर किया हुआ है,
सारे मॉड्यूल के शॉर्टकट बताए हुए हैं, सारे मॉड्यूल के स्ट्रेटजीज और टिप्स बताए हैं। चाहिए तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लिसनिंग मॉड्यूल की, तो सबसे ज्यादा मसला होता है स्पीड का। थर्ड और फोर्थ सेक्शन की स्पीड को बढ़ाकर 1.25 के ऊपर ले जाएं और उसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस करें। बाकी जो दो सेक्शन उसको नॉर्मल प्रैक्टिस करें, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लिसनिंग ईजी आती है, लेकिन ये फायदा रहता है आपको प्रेडिक्शन लेने का। और दूसरी चीज़, आप लोगों को जितने भी स्पेलिंग्स आपके गलत हो रहे हैं प्रैक्टिस के दौरान, वो नोट डाउन करते रहें अपनी नोटबुक के ऊपर, क्योंकि आइल्स में जो लिसनिंग के स्पेलिंग्स होते हैं बार बार रिपीट होते हैं। तीसरी चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ तो आप लोगों को रियल एग्जाम टेस्ट ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैम्ब्रिज अगर आपने कर ली है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने की होती है ऑलरेडी, तो कुछ नया आपको करना चाहिए। तो ये सारे जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपको, जैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन का बताया है, अगर आप लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो नाम सर आइल्स लिखिए प्ले स्टोर में। अगर आप लोग एप्पल यूज़ करते हैं तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और चांसेस भी रहते हैं कि लिसनिंग बार बार रिपीट भी होती है। राइटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोशिश करिए जो आपके पास 6 या 7 दिन बचे हुए हैं उसमें सारे टास्क 1 जितने भी हैं उसको कवर अप कर लें। जैसे आपको पता 4 प्रकार के चार्ट्स होते हैं, प्रोसेस डायग्राम होता है, मैप होते, तो कोशिश करिए कि हर रोज़ एक एक आप लिखें और अपने टीचर से इवैल्यूएट करवाते रहें। उसी प्रकार से टास्क 2 जो है उसमें डिफरेंट जो फॉर्मेट्स होते हैं, ऐसे कि अगर मैं बात करूं एग्री डिसएग्री का थोड़ा अलग फॉर्मेट होता है, डिस्कस बोथ पॉइंट का अलग होता है, रीजन सॉल्यूशन का अलग होता है, तो सारे फॉर्मेट्स को दिमाग में फिट करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है आपके पास कि आपको सोचना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपके दिमाग में पहले से ही चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपने क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, तो ये फॉर्मेट की आपको प्रेपरेशन कर लेनी है। और कोशिश करिए कि आपके जो भी वीक एरियाज हैं वहाँ पर आप लोग वर्क करिए। एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट या स्पेस के ऊपर आपको कई बड़े टॉपिक्स आ जाते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल आंसर रीड करिए। और कोशिश करिए जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी 1 साल में क्वेश्चंस आए होते हैं, आइल्स बार बार उनको रिपीट करती रहती है, और वही प्रैक्टिस करें, वही आपके लिए मोर देन इनफ रहता है। और अपनी राइटिंग को डेली अपने टीचर से जरूर चेक करवाएं, इवैल्यूएट करवाएं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ मिस्टेक्स हैं, ताकि आप लोग जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसके ऊपर काम कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छी लग रही है, तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बात कर लेते हैं जी स्पीकिंग मॉड्यूल की। जितने भी ट्रेंडिंग क्यू कार्ड्स चलते हैं हर वीकली या हर 10 दिन बाद चेंज होते रहते हैं, तो उसके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 1 के क्वेश्चन जितने भी ट्रेंड में चल रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें, और पार्ट 3 के ऊपर मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा। इस टाइम पे पार्ट 3 के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है, तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। और आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ग्लोबल प्रेडिक्शंस मिल जाती हैं, जिसमें आपको रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सब कुछ जो भी ट्रेंड में चल रहा होता है सब कुछ आपको मिल जाता है। जो भी मैंने आपको बताया है, रियल एग्ज़ाम रीडिंग्स मैंने आपको बताई हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, लिसनिंग्स आपको 20 मिल जाती हैं, राइटिंग्स पूरे 1 ईयर के पास्ट एग्जाम मिल जाते हैं, और स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स मिल जाते हैं। और इसके चार्जेस जो हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम प्राइस में आपको मिल रहे हैं, 499 इसके चार्जेस हैं।